माँ कपड़न का मुकद्दस अजीम हस्ती है। असा पहले प्रोग्राम में हर दफे के नाम और शख्सियत के घुराइंदा आयो ऐ सदन उन मुकद्दस माँ जी हस्ती ते गाल बोल कंदा आयो। अज भी जे मेहमान शख्सियत के असा पंजे प्रोग्राम में दावत दिनी है पान बैनुल अक्वामी शोहरत रखंदर आर्थोपेडिक सर्जन आहन। सदन क्रिकेट के शौक जो इन मां अंदाजो लगाए सके तो सदन कराची में पंजो प्राइवेट स्टेडियम है। उन सा गरोग पान सुठा क्रिकेट जहा रांदीगर ए कॉमेंटेटर पिण आन हाँ सिंध गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स जहा वजीर पिण आन डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब। शाह साहब आप कैसे हैं? मैं ठीक बिल्कुल। आज हम आपकी माँ की हस्ती पे बात करेंगे। जी जरूर बिल्कुल। सबसे पहले ये बताएं कि माँ को क्या कहकर बुलाते हैं, क्या पुकारते हैं? मैं तो अम्मी कह के पुकारता हूँ। अच्छा, लेकिन जो भी कहकर पुकारे माँ माँ है आप उसको, बहुत से लोग आंटी भी कहते हैं अपनी माँ को, बहुत से लोग खाला भी कहते हैं, बहुत से लोग फूफी भी कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जो भी आप कहें लेकिन माँ तो फिर माँ है। आप क्या समझते हैं कि माँ का नैमल बदल दुनिया में कोई है? हो ही नहीं सकता। बाप नहीं, बाप बाप का रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है, माँ का रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है। असल बात यह है कि बच्चे की इब्तदाई जिंदगी में खास तौर से ज्यादा जो कांटेक्ट होता है उसका वो माँ से होता है, क्योंकि माँ ही दूध पिलाती है, माँ ही खाना खिलाती है, माँ ही कपड़े चेंज करती है, ये सारे काम बाप तो नहीं करता। तो इसलिए बच्चा शुरू से जिसको ज्यादा देखता है वो माँ को देखता है, तो इसलिए माँ के साथ एक डिफरेंट अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। बाप तो एक पार्ट टाइम आदमी होता है ना, जैसे मैं भी एक पार्ट टाइम बाप हूँ इन दैट सेंस के हम लोग घर में टिकते कहाँ हैं, तो हमारे बच्चे से मुलाकात ही कम होती है। तो और मुझे तो अक्सर मेरे ख्याल से पता नहीं मेरे बच्चे यही सोचते होंगे ये आदमी कौन है जो कभी कभी हमारे घर आता है, लेकिन ये कि माँ का कॉन्टेक्ट बच्चे से हमेशा ज़्यादा होता है। अच्छा, ये इंसान की कमजोरी होती है कि जब तक उसके रिश्ते जिंदा होते हैं तो उनका एहसास नहीं होता, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उसकी ज्यादा रियलाइजेशन होती है, उनके ना होने का एहसास होता है। माशाल्लाह से आप वो खुश नसीब हैं कि आपकी माँ जिंदा हैं। जी हाँ। तो आप उनको सीरियस लेते हैं या अभी इसमें है कि ठीक है माँ तो माँ है, माँ है, सामने है, आंखों के सामने? नहीं, मैं तो बिल्कुल सीरियस लेता हूँ हमेशा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी टाइम उनको दे सकूँ मैं उनको टाइम दूँ, लेकिन मैं इतना टाइम दे नहीं पाता जितना मैं टाइम उनको देना चाहता हूँ। और ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि माँ आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अरसा चले। अब उनकी, मेरी वालदा की उम्र तो माशाल्लाह 85 हो गई है, लेकिन क्योंकि उनकी जनरली सेहत अच्छी है तो मैं चाहता हूँ कि वो सेंचुरी मुकम्मल करें। एकेडमिक एजुकेशन माँ ने हासिल की है? जी हाँ, वो तो बहुत हाई लेवल पर एजुकेशन हासिल की मेरी वालदा ने। हाँ। और उन्होंने इंडिया में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ एजुकेशन किया, MED। और जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त यहाँ पर आई थिंक वो फर्स्ट या सेकेंड MED थी, और इतना हाईली क्वालिफाइड को था नहीं। फिर उन्होंने सीटो जो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फेलो बनी, और उन्होंने कोई 10-15 मुल्कों में काम किया, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इराक में, सऊदी अरब में, फिलीपींस, हांगकांग, बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने काम भी किया, किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। और क्योंकि उनका टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रहा तो वो कराची में, जो आपने नाम सुना होगा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो वहाँ पर वो रिटायर हुई थी एज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रिसर्च। और उनका जो ज़्यादा काम था मेरी मदर का, वो था मॉरल एजुकेशन ऑफ द एडोलेसेंट, यानी कि जो हमारे यंग जनरेशन है उनकी हम मॉरल एजुकेशन किस तरह करें, तो ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और अच्छा, उन्होंने किताबें भी ज़्यादातर उसी टॉपिक के ऊपर लिखी हैं। अच्छा, हमारी जो घरेलू माएँ होती हैं वो अक्सर घर में रहती हैं, बच्चों की बहुत टेक केयर करती हैं, अगर बच्चा बाहर जाता है तो उनका फिक्र करती हैं, जब वो घर आते हैं तो उनके सामने खाना बना के रखती हैं और ज़्यादातर अपने हाथों से बना के रखती हैं, इसीलिए तो बच्चा माँ के करीब रहता है। बिल्कुल। लेकिन आपकी माँ एक वर्किंग वुमन रही हैं और वो बाहर भी उन्होंने बड़ी जिंदगी गुजारी है, एजुकेशन से वाबस्ता रही हैं, तो आपको कभी ये कमी फील हुई एक घरेलू माँ की? नहीं, असल में उन्होंने हमें इस तरह की कमी कभी महसूस होने ही नहीं दी, क्योंकि वो जब जॉब पर भी जाती थी तो जॉब पर जाने से पहले हमारा नाश्ता खाने का इंतजाम करके जाती थी, हम लोग स्कूल चले जाते थे, जब हम स्कूल से वापस आते थे तो वो अपने ऑफिस से आ जाती थी, तो इस तरह हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारी माँ एक वर्किंग वुमेन है। और उन्होंने हर तरह से हमारा साथ दिया, जहाँ तक भी हुआ हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हमें लुक आफ्टर किया, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम उनको लुक आफ्टर करें। सही।
आम कोई आदमी होता है वो भी अगर माँ ठीक नहीं होती तो उनके पाँव भी दबाता है, उसका ख्याल करता है, लेकिन आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो जब माँ खुदा न खास्ता कभी बीमार हो जाती हैं तो आप उसको कैसे लुक आफ्टर करते हैं, पाँव देखिए, दबाते हैं, पूरे साल तो हम दवाई फिक्र नहीं टाइम पे करते। देते हैं? जब उनकी तबीयत सही होती है तो पूरे साल कोई फिक्र नहीं करते। ठीक है, एक नॉर्मल घर में जैसे आदमी रहता है वो हाँ रहती रहती हैं, लेकिन जब उनकी तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है तो वो सडनली बहुत बड़ी वीआईपी बन जाती है। सारे लोग, बच्चे मेरे और वाइफ और सब लोग, हम लोग केयर करते हैं। अभी पिछले दिनों उनको थोड़ी बहुत कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी तो उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, तो हम लोग सब एक्शन में आ गए, खूब लुक आफ्टर किया, भाग दौड़ की। अब शुक्र है वो सही हो गई, तो अब बस वही हो गया, पहले जैसे नॉर्मल अब उनको लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो भी उनकी खिदमत कर सकें वो करें। अच्छा, अभी आपने वाइफ का जिक्र किया तो एक जहन में सवाल आया कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसकी पसंद पे शादी करे। माँ ने ये ख्वाहिश की थी और आपने उसकी ख्वाहिश पूरी की जी थी हाँ, या अपनी पसंद पे शादी की? नहीं वो मिला जुला रुझान था। अच्छा, कोई माँ से कभी शिकवा होती है, अगर किसी बात पे नाराजगी होती है तो आपको वो मनाती हैं या आप उनको मनाते हैं? मैं तो खामोशी इख्तियार कर जाता हूँ। ऐसे इस सिचुएशन में बेस्ट ये होता है कि खामोशी इख्तियार कर जाएं और ज़्यादा बात को आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो जैसे टाइम जो है वो बहुत बड़ा हीलर है, तो जब वक्त गुजरता है, एक आध दिन गुजर जाता है, तो वो भी भूल जाती है, हम भी भूल जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो अच्छा, मैं समझता हूँ ये बेस्ट पॉलिसी है कि घर में कोई शिकवा शिकायत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करो। मेरी तो ये पॉलिसी है, टाइम दो उसको। जब टाइम देंगे ना तो खुद ब खुद चीज़ सही हो जाती है। अगर डिस्कस करेंगे तो कोई लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, कोई आर्गूमेंट्स होते हैं, कभी हो सकता है हमसे कोई बात, कोई हमारे मुंह से कोई बात गलत निकल जाए या हमें ज़्यादा डांट पड़ जाए, तो बहरहाल उनकी डांट तो हमारे लिए एक नेमत होती है। तो इसलिए हम, मेरी कोशिश ऐसे मौके पर यही होती है कि अवॉइड करें और टाइम गेन करें। जब आप टाइम गेन करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें, लोग गुस्सा अपना ख़त्म हो जाता है। क्योंकि तो गुस्सा हर वक्त तो नहीं रहता, ये तो एक उबलते हुए पानी की तरह होता है ना, बॉइलिंग वाटर। उसको बॉइलिंग वाटर को अगर आप सामने रख दें थोड़ी देर के बाद, वक्त के बाद, वो भी ठंडा हो जाएगा। सही। इसी तरह इंसान का गुस्सा होता है कि गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप उसको टाइम दें तो गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अगर सास और बहू में थोड़ी अनबन हो जाती है तो आप किसका साइड लेते हैं? वंस अगेन ऐसी सिचुएशन अवल तो हमारे यहाँ बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर कभी मैं महसूस करता हूँ कि अगर ऐसा हो तो मैं तो सीधा सीधा टेलीविजन देखने लगता हूँ, जैसे मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। उस मैं इमीजिएटली अंधा, बहरा और काना हो जाता हूँ, अच्छा बिल्कुल ना मुझे कुछ सुनाई देता है ना मुझे कुछ नजर आता है। तो मैं अच्छा एक ऐसी सिचुएशन को बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ और खुद ब खुद वो चीज़ सही हो जाती है। आपकी माँ के आपके बच्चों के साथ क्या एटीट्यूड होता है? उनको प्यार करती हैं, जी हाँ, नेचुरली ये तो रिश्ता ही फ्रेंडली ऐसा हैं? है। क्योंकि देखिए, इंसान को जो है असल रकम से ज़्यादा सूद पर इंटरेस्ट होता है, तो और जो सूद दर सूद और कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो उस पर तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए माँ की जो है प्यार हमसे शायद कम होता है, हमारे बच्चों से ज़्यादा होता है। अच्छा, आप डॉक्टर बने ये माँ की ख्वाहिश थी या अपनी आपकी? ये मेरे वालिद साहब का ख्याल था कि मुझे डॉक्टर बनाया जाए, लेकिन जब मैं पैदा होने वाला था और मेरे पैदा होने में तकरीबन कोई 2 महीने बाकी थे, हाँ तो मेरी वालदा ने एक ख्वाब देखा था, ड्रीम। उन्होंने ख्वाब में देखा था कि उनको कोई आदमी कह रहा है कि आपके आपके घर में एक बहुत बड़ा आँखों का डॉक्टर पैदा होने वाला है, आई स्पेशलिस्ट। तो ये मदर ने मेरी ख्वाब देखा, उस वक्त मेरे पैदा होने में 2 महीने बाकी थे। तो आई स्पेशलिस्ट तो मैं नहीं बन सका, लेकिन मैंने दुनिया की आँखें ज़रूर खोल दी। अच्छा, आप इतने बड़े डॉक्टर बन गए, उसमें आपकी स्ट्रगल मेहनत तो यकीनन शामिल है। आपको लगता है कि आपकी माँओं की दुआओं का उसमें सबसे बड़ा हाथ है? बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि माँ की दुआएं, उनका ताउन, उनका कोऑपरेशन, उनकी गाइडेंस, इन सारी चीज़ों से तो बच्चा सही ट्रैक पर आता है। और अगर माँ तवज्जो ना दे अपने बच्चे पर या लुक आफ्टर नहीं करे या दुआएं नहीं दे, तो मैं समझता हूँ कि आप शायद इतनी कामयाबी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। माँ के साथ जब बैठते हैं तो मौजूए गुफ्तगू ज्यादा क्या होता है, किस टाइप की बातें करते हैं? आजकल तो ज़्यादातर ये होता है कि मेरे बारे में अखबार में जितनी न्यूज़ आती हैं या टेलीविज़न में कोई मेरी इंटरव्यूज़ होते हैं या कोई भी चीज़ हो, तो वो लेकर बैठी होती हैं और वो कटिंग्स काट के चिपका रही होती हैं एल्बम में। वही उनका पार्ट टाइम जॉब है कि वो मेरे रिकॉर्ड सारे मेंटेन करती हैं, वो मेरी रिकॉर्ड कीपर हैं। और इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत क्रिकेट की भी बात हो जाती है, कभी सियासत की भी बात हो जाती है और कभी एजुकेशन की भी बात हो जाती है। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो चलते रहते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह जहनी तौर पर बहुत एक्टिव हैं, हालांकि उनकी उम्र 85 है, लेकिन मेंटली वो आई थिंक शी इज़ 50। तो उस वजह से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहती है और दुनिया का कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी मौजू आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो,
चाहे कि वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कि वो हाई प्राइसेस हो, पेट्रोल की कमी है या पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है या आटे की कीमत बढ़ गई है, उनको सब पता होता है और वो वर्सेटाइल किस्म की शख्सियत है, हर टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने को तैयार है। अच्छा, यहाँ पर आएंगी तो शायद आपका इंटरव्यू ले लेंगी, आप उनका नहीं ले पाएंगे। सही। अच्छा ये बताएं कि माँ ने बचपन से आपकी परवरिश कैसी की है, आप उनके लाडले हैं या वो आपको बड़ा ऑर्गेनाइज रखती हैं और एटीट्यूड अपना रखती हैं, किस स्टाइल से आपको उन्होंने? देखिए ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि माँ ने उसकी परवरिश कैसे की, क्योंकि हम इतने छोटे थे वो बातें याद नहीं रही, लेकिन जब बड़े होश संभाला उस वक्त से तो मैंने देखा उन्होंने काफी तवज्जो दी, खासतौर से पढ़ाई की तरफ हमारी बहुत तवज्जो दी और उन्होंने हमेशा कोशिश की कि हम पूरा क्लासेस अटेंड करूं, स्कूल का होमवर्क करूं और पढ़ाई में मैं पीछे ना रह जाऊं। शायद ये एक वजह थी कि कंटिन्यूअसली उनका प्रेशर रहता था लगातार कि जी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो उस वजह से शायद कि मैं तालीम में आला मुकाम हासिल कर पाया। शाह साहब आपको शेर व शायरी से भी बड़ा शगुफ जी, थोड़ा बहुत। हाँ, तो कभी माँ को बैठकर शायरी सुनाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपको मैं कुछ शेर सुना सकता हूँ माँ के बारे में। अच्छा, और वो कभी माँ को सुनाए हैं? जी सुनाए और उन्होंने लिखकर भी रखे हुए अपने पास। अच्छा, तो वो बताएं हमें। जी जरूर बिल्कुल, माँ के ऊपर चंद शेर अर्ज करता हूँ। जिंदगानी के सफर में गर्दिशों की धूप में, जिंदगानी के सफर में गर्दिशों की धूप में, जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। वाह। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। वाह वाह। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। कितनी ही बरसात की रातों में ऐसा भी हुआ, कितनी ही बरसात की रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है और गीले में सो जाती है माँ। वाह वाह। घर जमा बेटी हो घर में और कोई रिश्ता ना हो, एक नए एहसास की सूली पर चढ़ जाती है माँ। घर जमा बेटी हो घर में और कोई रिश्ता ना हो, एक नए एहसास की सूली पर चढ़ जाती है माँ। घर से परदेश जब कोई जाता है नूरे नजर, हाथ में कुरान लेके दर पे आ जाती है माँ। वाह वाह। घर से परदेश जब कोई जाता है नूरे नजर, हाथ में कुरान लेके दर पे आ जाती है माँ। शुक्रिया उसका कभी हो ही नहीं सकता अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। और जब माँ मर जाती है तो यार लोग क्या करते हैं ये भी सुन लें। सही। कभी साल में हफ्ते में या जुमेरात को, कभी साल में हफ्ते में या जुमेरात को, अपनी मेहनत का सिला फकत एक फातिहा पाती है माँ। वाह वाह। कहने का मकसद ये कि माँ की जो मोहब्बत है वो बेलौस है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। सही। फराज ने भी तो कहा है ना कि जी बड़ी मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, फराज मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अच्छा शाह साहब, ऐसे हर माँ की भी एक राय होती है अपने बच्चे के बारे में कि मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी है, मेरा बच्चा जो है बड़ा सुस्त सा है, माँ की आपके बारे में हमेशा क्या राय रही है? मेरा बच्चा बहुत होनहार है। अच्छा। मैं अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन वो समझती है कि मैं बहुत दुनिया का बहुत A1 बच्चा हूँ, बड़ा काबिल हूँ, बड़ा होने आ रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, कभी आपको कोई एहसास हुआ है कि ये चीज मैं माँ के लिए नहीं कर पाया, कोई ऐसी कमी कोई? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जब से मैंने होश संभाला है या जब से मैंने एक पैसा अर्न करना शुरू किया या प्रैक्टिकल लाइफ में आया, तो मैंने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। और बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ सेंस कर लेता हूँ कि उनको चाहिए क्या है, तो वो मैं उनको मौका ही नहीं देता कि वो कहने भी पाए, तो वो चीज उनके पास आ जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है इस मामले में मामला बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह आप बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं अपने प्रोफेशन के हवाले से, लेकिन या कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो कभी इस बात का एहसास हुआ है या माँ टोकती हैं या कभी आपके काम के हिसाब से कोई नुक्स निकालती हूँ, अभी ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल, वो तो कमेंट्स देती हैं और कभी भी कोई, क्योंकि हर इंसान गलती करता है, हम भी गलती करते हैं, तो अगर कोई हम गलत डिसीजन ले लें या जैसे किसी सर्वेंट को निकाल दें या किसी सर्वेंट को हम गैर जरूरी उसको कुछ ज्यादा तरक्की दे दें कि भाई उसको इतनी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, या एक ड्राइवर को चेंज कर दें, और अगर वो समझती है कि मेरा फैसला गलत था तो वो कहती है कि ये काम सही नहीं है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तो मैं हमेशा उनकी बात मान लेता हूँ, क्योंकि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा तनकीद करती है। एक बात मैंने हमेशा देखी है कि जो भी वो कहती है ना,
वो बाद में ऐसा होता है कि वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि शायद ये गलत कह रही है, लेकिन फिर बाद में आप देखें तो टाइम प्रूफ करता है कि नहीं, जो वो कह रही थी वही सही था, हम गलती पर थे। सही। अच्छा, एक रियलिस्टिक बात करें कि हर आदमी में जहाँ बहुत सारी खूबियां होती हैं वहाँ कुछ कमियां भी होती जी जरूर। माँ की कोई ऐसी बात जो आपको थोड़ी मुश्किल लगती हो, या कि माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी बात? मुश्किल सा सवाल कर लिया आपने, लेकिन मोरलेस आई थिंक हम, मेरी मदर जो है वो एक परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट मदर है। और ये तो बात सही है कि दुनिया में कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी तकरीबन सारी बातें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल हैं, और कोई ऐसी बात नहीं जिसमें कोई मेजर एतराज मुझे कभी हुआ हो। अच्छा, लेकिन उनका मिजाज कैसा है, ठंडे मिजाज की जी? वेरी कूल माइंड, बिल्कुल। सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कैसा है? ट्रेमेंडस, बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है, और हर बात को नोट करती हैं, अखबार में कार्टून्स को बड़े गौर से पढ़ती हैं, और छोटे मोटे लतीफे भी सुनाती रहती हैं। अभी मैं उनका एक लेटेस्ट लतीफा आपको सुना दूं जो उन्होंने मुझे कल ही सुनाया। अच्छा। उन्होंने कहा जी, एक सरदार जी थे, वो कैप्सूल खा रहे थे, दवा नहीं होती, टेबलेट, वो कैप्सूल खा रहे थे। तो कैप्सूल खाने से पहले उन्होंने एक कैंची से उसके दोनों सिरे काट दिए। हाँ। तो लोगों ने कहा, सरदार जी ये कैसी दवाई खा रहे हो, तुमने कैप्सूल को काट दिया? तो सरदार जी ने कहा कि असल में मैंने सुना है कि हर दवा का कोई साइड इफेक्ट होता है, तो मैंने इसकी साइड काट दी। आपको कभी ये एहसास होता है कि आप माँ के लिए छोटे बच्चे हैं, कभी इस तरह से आकर आपको गले लगाती हूँ, आपको प्यार करती हूँ? जी हाँ, वो कभी कभी करती हैं ये काम। हाँ। और जाहिर है कि माँ से तो बड़े हम कभी हो ही नहीं सकते, बच्चा तो माँ से बड़ा हो ही गई नहीं। सिर्फ ये होता है कि एज में ये कि जब वो मिसाल के तौर पर 50 साल की थी तो शायद हम 30 साल के थे, वो 80 साल की हो गई तो हम 50 के हो गए। तो ये एक एज का तो डिफरेंस नहीं रहा। नहीं, ज्यादा डिफरेंस तो हमेशा कम होता चला जाता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी मदर जो थी मुझसे एज में 20 गुना ज्यादा थी, फॉर एग्जाम्पल। अब वो मुझसे 20 गुना ज्यादा नहीं है एज में, अब मेरी और उनकी एज डेढ़ गुना रह गई होगी। अच्छा। तो वो देखें, डिफरेंस तो कम होता जाता है, लेकिन जो उनका पोजीशन है, जो उनकी इज्जत है, जो उनका मुकाम है, वो बढ़ता चला जाता है। हर बच्चे को शिकवा होती है कि माँ मुझे प्यार कम करती है, बड़े भाई को या छोटे को या बहन को ज्यादा करती है, कभी माँ से ऐसी शिकायत रही? नहीं, वो इत्तेफाक से, क्योंकि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, तो इसलिए इसका तो मौका नहीं आया। जी मेरी 3 बहनें हैं, तो वो, लेकिन मेरे ख्याल से वो तकरीबन हर, देखें माँ को हर बच्चे से एक जैसे ही प्यार होता है। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि शायद ये माँ मुझसे कम कर रही है, तो इसमें माँ की गलती नहीं है, बच्चे की गलती है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी माँ बाप का एक अपना डर होता है, उनकी शख्सियत का एक असर रहता है। कभी ये होता है कि माँ गुस्सा हो या किसी बात पे नाराज हो तो आपको डर महसूस होता है इतने बड़े होकर भी, कि माँ के सामने नहीं जाएं, नाराज हो रही हैं, कुछ कहें? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जब हम कभी देखते हैं कि बहुत मूड ऑफ है, हाँ, तो वही तरकीब करना पड़ती है कि उनको अवॉइड कर जाए नहीं उनके सामने। तो क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग बड़े नाजुक मिजाज भी हो जाते हैं इस उम्र में आके, 80-85 की एज में। अच्छा, कभी कोई ऐसा दुख आपके दिल में, कोई ऐसी बात जो माँ को नहीं कह पाए हों, या कभी माँ को कोई दुख दिया हो, उसका उनके सामने तो इजहार ना किया हो, लेकिन अगर आज वो टीवी देखें तो आप उस दुख का इजहार करें या उस शिकवा का इजहार करें? नहीं, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट तो ऐसी कोई बात मेरे याद नहीं आती, क्योंकि हम जहाँ तक मेरा और मेरी वालदा का ताल्लुक है तो ये एक बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है, फ्रेंडली रिलेशनशिप रही है, और ऐसा कोई कंट्रोवर्सीज या कोई लड़ाई झगड़े या कभी आज तक मुझे याद नहीं है कि हुए हों। कोई माँ के लिए सब मैसेज हो जो अभी देना चाह रहे हों? माँ के लिए मैसेज यही है कि भाई हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सर पर उनका साया कायम रहे, और हम दुआ करते हैं कि उनकी लंबी ज़िंदगी हो। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे निकाल कर आए और आपकी माँ की अजीम हस्ती पर हमने बातचीत की। नाजरीन, ये गुफ्तगू हमारी ठीक बुधी यकीनन अवां के महसूस थियो हूँ, त वाकई केॾा खुशनसीब माण्हू आहिनि जिनजे मथां माउ जे मोहबत जो सायो आहे। इन सां गॾु ई असां वठंदासीं अवां खां इजाज़त, वरी मिलंदासीं हिन ई प्रोग्राम में जंहिंजो नालो आहे मुंहिंजी मिठड़ी माउ।